बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो जनाब, आज मैंने आपको सोचा कि अपनी शाम की भी रूटीन दिखा दें। और यहाँ पर जो है वरीशा ईशा, बच्चियाँ खाना खा चुकी हैं और टैबलेट देख रहे हैं। सलाम तो करें अपने सब्सक्राइबर्स को, अपने पेरेंट्स को। ओहो, ज़ैनब कह रही है मुझसे बात करा दो। ईशा आपने कर दिया। मेरी तीनों बेटियाँ जो है ना, वो बहुत ही नाइस और बहुत ही ओबिडेंट है। और ये लड़ाका लड़की है, ये लड़ाका लड़की क्या बोल रही है भाई? ज़ैनब भाई, इनका तो समझ भी नहीं आ रहा है क्या बोल रही है। क्या लड़ रही थी आप? अच्छा, ये कह रही है मेरी भी बात कराएं। मैं जा रही हूँ उठकर, ठीक है? मैं नहीं करा रही बात। अब देखिएगा, मैं ना वहां पर जाऊंगी ना तो वैसे इनकी आवाज आएगी। ये लड़ना शुरू कर देती है, बहुत लड़ाका हो रही है, है ना? लड़ाका हो रही है। देखो ज़ैनब बीवी, ज़ैनब आपने शाम नहीं किया अपने सब्सक्राइबर को, अपने फ्रेंड्स को? पहले शाम कीजिए जल्दी से, गुड़िया रानी शाम कीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी ज़ैनब आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आपकी दुआएं लेने के लिए आ गई मैं आज। फिर मुझे दुआएं दीजिए, मुझे बहुत सारा पाल कीजिए। ज़ैनब बीबी हंस के तो दिखा दें। ज़ैनब, असल में ज़ैनब की ना पट्टियां भी खत्म हो गई हैं। और आज मैंने कहा था ज़ीशान से कि ज़ैनब की पट्टियां लेने जाना है। चलिए खाना खा लिए मैं। चलिए क्या? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, हमारे सब्सक्राइबर को ये वालेकुम अस्सलाम, सब कैरियर से होंगे? तमाम तेज बोले ज़ीशान, सपोर्टर, तमाम कमेंट्स करने वालों का को हमारा प्यार भरा सलाम। अच्छा, आपके बारे में ये है कि सब ये बोलते हैं कि ज़ीशान जो है ना, वो हंसते नहीं है। हंसते तो हैं, ऐसी बात नहीं है, मुस्कुराहट दिखा दें। असल मसला ये है कि आपको तो पता है जिम्मेदारियाँ आपके सामने, और क्या बोल सकते। चले भाई, चले ना बाबा को पर जी। चलो फटाफट निकलने की करते, फिर आना भी जब आपसे। चाय पी ली आपने? चाय भी पी ली, खाना भी खा लिया। अच्छा, ऐसा लग रहा है खुद बनाई। कम्प्रोमाइज नहीं करता। हाँ, चलते हैं। चले आज हम आपको आगा खान जाते हुए, क्या जा रहा हूँ, पट्टियाँ और दवाइयाँ। नहीं, एक दिन खिलौने भी लेकर आएंगे आप ज़ैनब के लिए, जैसे ईशा वरीशा के लिए लाए मेरी बच्चियों के लिए, है ना ज़ैनब? है ना ईशा वरीशा? थोड़ी देर मोबाइल से निगाह हटा लो, बातें कर लो, तुम तो हमें टाइम ही नहीं दे रही हो भाई। है भाई, कुछ पूछ रहे हो? बाबा कह रहे हैं मैं ज़ैनब के लिए लेने भी क्या जा रहा हूँ। इनके सुनने भले ही बहुत लड़ाका है, ज़ैनब बहुत लड़ाका हो रही है। इसके लिए तो यकीन करो, कोई चीज मिल जाए ना मेरे को, जादू की छड़ी, मैं जाके वो उठा के सबसे पहले ले आऊं। अल्लाह ताला सब बेहतर करे, सब बेहतर होगा इंशाल्लाह। हम लोग ज़ैनब की एक दिन ज़ैनब के लिए बहुत सारी बार्बी डॉल्स लेकर आएंगे और बहुत सारे खिलौने लेकर आएंगे हम अपनी गुड़िया के लिए, है ना ज़ैनब? एक दिन ऐसा होगा ना इंशाल्लाह। ज़ैनब सबको बुलाएगी भी, और ज़ैनब खुद चल के जाएगी भी, और अपने तमाम सब्सक्राइबर और तमाम प्यार करने वालों को बुलाएगी भी। अच्छा ज़ीशान, मैं आपसे ये बात कह रही थी कि माशाल्लाह हर जगह से कमेंट्स आ रहे हैं ज़ैनब के लिए, पूरी दुनिया से, सब जगह से। ज़ैनब देखे कितनी खुश हो रही है। तुमने मुझे बताया था, मगर इंडिया से, यूके से, स्पेन से, जर्मनी से, इटली से, पाकिस्तान से भी, और तक पाकिस्तान से बाहर जितने भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि भाई आप किसी तरीके से ज़ैनब को हमारे पास ले आओ, तो ज़ैनब इंशाल्लाह सही हो जाएगी तो लाजमी सी बातें जरूर आएगी। हमारी पूरी कोशिश है कि ज़ैनब के हवाले से जिस तरह से आप लोगों ने हमारे को सपोर्ट और हमें मोहब्बत दी, तो इंशाल्लाह ये ज़ैनब होगी और आप हम सब साथ होंगे, और हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं। इंशाल्लाह ज़ैनब सही हो जाएगी, तो ज़ैनब उन सब के पास आएगी जिन जिन लोगों ने इसे मोहब्बत दी है, जिन जिन लोगों ने बोला कि हमारे घर के दरवाजे खुले हुए, चाहे वो यूके से हो, चाहे वो स्पेन से हो, चाहे वो जर्मनी से हो, चाहे वो इटली से हो, या चाहे वो जिस मुल्क से भी हो, इंडिया से हो, तो जिन जिन लोगों ने हमें सपोर्ट, यानी कि जिन जिन लोगों ने हमें मोहब्बत दी है, तो ज़ैनब वहाँ लाजमी आएगी और उन सबसे मिलेगी। हैं भाई ज़ैनब, बाबा सही कह रहे हैं, इंशाल्लाह सही कह रहे हैं बाबा। और हम सबको बुलाएंगे भी, हमारे कोई ऐसा कोई डॉक्टर ऐसा मिल जाए जिससे ज़ैनब का इलाज यानी कि मुमकिन हो सके, तो हम इंशाल्लाह जरूर जाएंगे, और जब जाएंगे तो हम आपको लाजमी, मैं पहले भी कह चुका हूँ, जरूर बताएंगे।
जैनब बाबा सही कह रहे हैं। और हम सब आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि जैनब के हवाले जिन लोगों ने इसको मोहब्बत दी है, क्योंकि ये तो मासूम है, तो उसी हवाले से जिन लोगों ने इसे मोहब्बत दी है, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। और आप लोग यकीन करें कि जिस तरह से आप जैनब खुश हो रही है, हंस रही है, मुस्कुरा रही है, ये सब आप लोगों की मोहब्बत है। और आप लोगों का इतना ज्यादा जैनब के ऊपर फोकस है कि यकीन करें जीशान, हमारी एक हैदराबाद में कॉल आती है उनकी मेरे पास, और वो कहती है कि मैं रोज तहज्जुद में जैनब की तस्वीर लेके उस पर दम करती हूँ। तो यार इतनी मोहब्बत मिल रही है इस बच्ची को, पीछे लाखों दुआएं। और मेरे के बाप हमने एक तरह से नई रूह आ गई कि अब हम इंशाल्लाह, क्योंकि हम तो थक के हार के बैठ चुके थे, मगर इंशाल्लाह इंशाल्लाह इसके बारे में भी एक ब्लॉग बनाऊंगा। जितने भी डॉक्टर्स हैं जिनसे मेरी बात नहीं हो पाती, तो मैं उनसे भी रब्ता करूंगा। और अब हम इसकी जल्दी हम अपना सफर शुरू करेंगे तो हम आपको लाजमी बताएंगे। बस आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, हमें इतना सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिया। हम भी उन्हें प्यार देते ही नहीं। हम इंशाल्लाह आप लोगों से मिलने भी आएंगे और जैनब के साथ आएंगे। चलो चलो जैनब बीबी हंस के दिखाइए, जल्दी से हंस के दिखा दीजिए, हंस के दिखाइए। मैं एक दिन अपनी गुड़िया लाने के लिए देखिएगा गुड़िया लेकर आऊंगी बाबा के साथ, है ना। मेरी गुड़िया के लिए बहुत सारी गुड़िया आएंगी और ये अपनी आपियों के साथ खेलेगी बैठकर, है ना जैनब। निशान अभी वीडियो कॉल आई थी उन बच्चों की भी, और सबने जैनब से बात की थी वीडियो पे, आपको पता है? नहीं मैं आपको दिखाती हूँ उन लोगों के नाम है, और उन लोगों के नाम मुझे याद नहीं आ रहे। तीन बच्चियां थी, एक बच्चा था। चलो वरीशा हम लोग जा रहे हैं बेटा, बाबा पट्टियां लेने जा रहे हैं इंशाल्लाह, और आपको दिखाते हैं आज आगा खान में भी, शायद वो वहाँ की वीडियो बनाने देना, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी कि वहां से हम पट्टियां लेकर आते हैं और किस तरीके से वो लोग जो है हमें जैनब की पट्टियां देते हैं। चले भाई ऐसे लाइट बंद करो, चले जीशान चलो। टीपू भी दुआ करते हैं, आमीन। टीपू भी बहुत दुआ करते हैं। चले शान ले ली पट्टियां, यहाँ पे जिशान ने पट्टियां ले ली हैं। अरे यार जो पट्टियां मुझे चाहिए थी ना जैनब की, वो नहीं मिली ना, तब पट्टियां मिली ना इसकी, वो मिली कुछ भी नहीं मिला पता ईशान, वो तो जेलेनेट होती है। तो मसला ये हुई कि वो बोले वो आई नहीं थी ना, पट्टियां मिली है कुछ, यकीन करो बस। अब क्या बताऊँ मैं तुम्हारे को, यहाँ आके तो वैसे भी जहन मेरा बंद हो जाता आवा खान को देख कर ही, जैनब के हवाले से पता नहीं क्या बात है। बस यार बच्ची की दवाइयाँ अगर मुझे मिल जाए ना। चले क्या करें जीशान, चले यही वाली ले लेते हैं बस, छोड़े आ जाए, परेशान नहीं हूँ। बात नहीं यार, ना इसके पेटेम मिले, ना इसका स्प्रे मिला, ना इसका कुछ मिला, अब वो बोला कुछ पता भी नहीं कब मिलेगी। चले कोई बात नहीं, इसको यूज कर लेंगे, परेशान नहीं हूँ। आज जैनब का दिन याद आ गया पैदाइश के, हमें वो सारे तो जहन ही बंद हो गया, यकीन करो सारे वो मंजर याद आ जाते हैं हमें, मेरा खुद इस वक्त जहन बिल्कुल वो हो जाता है। अब क्या कर सकते हैं, चलो अल्लाह मालिक देखते अगले हफ्ते में चक्कर लगाएंगे इसके पास। मैंने उससे बोल दिया यार, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी अगर तुम ये काम करा दो। चलें चलते हैं, आ जाए छोड़े।
इतना सन्नाटा हो रहा है, मेरे निशान देर भी हो रही है, ले लिए जैनब के वो भी लेने दलिया। चले आ जाए, उठे देर हो रही है निशान। जनाब यहाँ पर हम आ गए हैं आगा खान में और हमने यहाँ से पट्टियाँ ले ली हैं। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि घर से निकलने के बाद भी एक टेंशन सी हो जाती है कि बच्चे घर में अकेले हैं और बिलखसूस जैनब घर में अकेली है, पूरी जान जैनब में अटकी रहती है। और यहाँ आकर तो बस यही दुआ निकलती है कि अल्लाह पाक जितने भी लोग हैं यहाँ पर बीमार हैं, अल्लाह पाक सबको सेहत याब ज़िंदगी अता फरमाए और सब खैर आफियत से अपने घरों की तरफ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे बेचारे सभी मजबूर आते हैं और हॉस्पिटल के एक्सपेंस हैं, कौन किस किस तरह से यहाँ के बिल पे कर रहा है ये तो उन्हीं लोगों को पता है। और मजबूरी में आए हुए यहाँ पे सारे पेशेंट हैं, कोई लाइलाज हैं, कोई जैनब जैसे बच्चे हैं, बस दिल की कैफियत अजीब सी हो जाती है और दिल की गहराइयों से सबके लिए दुआ निकल रही होती है। हर शख्स के चेहरे पर एक परेशानी दिख रही है, हर बंदा यहाँ पर एक परेशानी के आलम में खड़ा हुआ है। बस अब हम भी जा रहे हैं और जैनब के लिए दूध का डब्बा लेना है। आपके पास जौ का दलिया है कोई का? कितने का है? 820 का है। जनाब यहाँ पर हम घर की तरफ आ गए हैं, लेकिन जिशान ने मुझसे जो मजाक किया ना रास्ते में, ये अब मैं जिशान से बात नहीं करूंगी। आपने मुझसे मजाक किया ना, वही दलिया यहाँ पे ऐसे ही रखा हुआ है। क्या हुआ? मुझसे बोल रहे हैं पट्टियाँ गुम हो गई रास्ते में निशान, वो मुझे पूरे रास्ते निशान ने टेंशन दिया है। वो पट्टी में रखी थी, पट्टियाँ छुपा रखी थी बाइक के उधर कवर में। इतनी बुरी बात है, वापिस जा रहे थे टेंशन में, वो वाली मिली भी नहीं है, ये लेकर आ गए हम ये पट्टियाँ। हम तो वो लगाते हैं ना जेलोनेट, जेलोनेट होती है ये लिया जैनब का कोई कर जैनब के दलिया। जैनब सो रही है जाग रही है? जाग रही है, दोनों के ना दो हैं। चलो जैनब को देख कर आऊँ अपनी गुड़िया को, मैं आ गई हूँ यहाँ पे अपनी गुड़िया की तरफ। बेड बना लिया? अरे अम्मा आ गई, गुड़िया रानी, मेरी गुड़िया रानी, कैसी तबीयत है? अस्सलाम वालेकुम जैनब, मेरी गुड़िया रानी। जैनब अंका पीना है? मुझे लग रहा है जैनब को इतनी देर में भूख लग रही है। जैनब फीडर पिला के तो गई थी मैंने, प्यार दो गुड़िया। आप भी सो जाओ ईशा ईशा। ये रात को तो हम आका खान से आए थे, तो वहां से आने के बाद जो है फिर जैनब के साथ आपको पता है जागना पड़ता है, और जैनब के साथ तो इनकी कुछ ट्रीटमेंट करनी थी, और मैंने कहा कि आप लोगों से कुछ बातें भी कर ली जाए। तो आप लोग इतना जो सपोर्ट कर रहे हैं, आप लोग इतनी मोहब्बत कर रहे हैं, तो हमारे बहुत से सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिन्होंने जैनब के लिए ना खाने काबा में भी दुआ की है और मस्जिद नबी में जाके दुआ करी है, और उन लोगों की मोहब्बतों का, उनकी चाहतों का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह पाक आप लोगों की दुआओं को शर्फ कबूलियत अता फरमाए। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो जैनब को वीडियो कॉल्स कर रहे हैं, जैनब से प्यार कर रहे हैं, उनकी वीडियो भी आई थी वीडियो कॉल्स, उन्हें जैनब से बात करनी थी। तो उन बच्चों के भी मैं नाम बताऊं कौन से बच्चे थे वो, उनके नाम थे जवेरिया, हंजला, मोहम्मद अनस और सुफियान और सीमा। तो इन तमाम बच्चों ने कल जैनब को वीडियो कॉल्स की थी और जैनब से बहुत सारी बातें की थी, और उन्होंने कहा था कि आंटी हमें जो है वो
वीडियो में बताएगा हमारे लिए, हमारा नाम लेगा कि हम अपनी गुड़िया रानी के फ्रेंड्स हैं। तो ये फ्रेंड्स हैं, मैंने इसलिए उनका नाम आपको बताया। ये जैनब से बहुत प्यार करते हैं, जैनब की वीडियोस बहुत शौक से देखते हैं और जैनब के लिए बहुत सारी दुआएं करते हैं। तो आप लोग ये देखें जैनब कितना खुश हो रही है। जैनब भी आप लोगों को बहुत सारी दुआएं देती हैं और आप लोगों की दुआओं की मुंतजिर है। बस अल्लाह ताला जैनब के लिए कोई मौजजा कर दे। हमारे इंडिया से भी बहुत सारे हमारे जो फ्रेंड्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनके भी माशाल्लाह बहुत कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारी दुआओं से नवाज रहे हैं वो लोग भी। मोहब्बतों की एक मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक ये मोहब्बतों की एक माला है और इसमें इजाफा ही होता चला जा रहा है। और मोहब्बत करने वाले एक लड़ी में जो है वो अल्लाह ताला ने उनको पिरो दिया है। अल्लाह ताला हमारी मोहब्बतों के सिलसिले को दराज करे। अपनी गुड़िया रानी के चैनल का ऐसे ही ख्याल रखिएगा, ये आपका भी चैनल है। मुझे इतना तंग नहीं करती जितना इसको तंग करना चाहिए। ये बच्ची बहुत अच्छी है, मेरी जान है, मेरी गुड़िया, मेरी जैनब बहुत जल्दी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी और आप लोगों की दावत करेगी। आप लोग सब आइएगा गुड़िया रानी से मिलने। और जो हमारे नए दोस्त हैं, नए सब्सक्राइबर हैं, वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अपनी दुआओं, अपनी मोहब्बतों में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ कह दें। अल्लाह हाफिज़।